अरे दया चाय लाना। हेलो, हाँ कौन बोल रहा है? एक मिनट दर। हाँ अबू जी, गाँव से नाथिया का फोन है। किसका? नाथिया। ये डोबा, मुझे पता है नाथिया कौन है। आपका साथिया है, मतलब आपका दोस्त। ये जेठिया, तुझमें कुछ संस्कार जैसा है कि नहीं? अपने बाप की उम्र के आदमी को नाम से बुलाता है? चाचा जी नहीं कह सकता? नहीं नहीं सॉरी बापूजी, वो क्या है, मैंने उनको पूछा ना कौन बोल रहा है, उन्होंने बोला मैं नाथिया बोल रहा हूँ, तो गलती से मेरा मुंह से भी निकल गया नाथिया का फोन ऐसा। सॉरी बापूजी। बाबू चक अक्कल वगर नो जैसा। नहीं नहीं भाई, तुझे नहीं बोल रहा हूँ मैं। बोल कैसा है? मैं ठीक हूँ बापूजी, मुझे क्या होना है। ओ फोन में बात कर रहा हूँ सर। हाँ बोल भाई नाथिया, कैसा है तू? अच्छा ठीक है, मैं जेठिया को भी बता दूंगा। जेठा देख जेठिया। जी बापूजी। वो 2 महीने बाद गांव में नए मंदिर का शिलान्यास है। समझ गया बापूजी। बोलिए कितने पैसे भिजवाने हैं? ए भाई ए, तू क्या अपने आप को दानवीर कर्ण समझता है? कितने पैसे भिजवाने हैं? अरे मंदिर के ट्रस्ट के पास बहुत पैसे हैं। अच्छा तो आप खाली मुझे बता रहे हैं कि गांव में मंदिर का शिलान्यास होने वाला है। अच्छी बात है बापूजी, एक मंदिर तो था ही, अभी दूसरा मंदिर भी हो जाएगा तो गांव में भक्ति और बढ़ जाएगी। वो सब छोड़, एक काम कर, हम चारों की 2 महीने बाद की गांव जाने की टिकट बुक करवा ले। ठीक है बापूजी। अच्छा सुन, एक काम कर, मेरी 10 दिन पहले की निकाल लेना। सोच रहा हूँ गांव जा रहे हैं तो गांव के घर का थोड़ा बहुत काम है वो भी करवा लो। वो थोड़ा रंग रोगन करवाना है, वो आंगन का झूला भी टूट गया है उसे भी ठीक करवाना है, और हाँ पानी की टंकी नहीं डालनी है। ठीक है बाबूजी। कहाँ जा रहा है? अब नहीं पूछेगा कितने पैसे चाहिए? कितने पैसे चाहिए बाबूजी? अरे दया जरा दरवाजा खोलना। आपकी चाय। हाँ बाबूजी, मैं काम करता हूँ, आपको 50,000 दे देता हूँ, अगर कम पड़े तो और भिजवा दूंगा, चलेगा? बाबूजी चाय आ गई है, पीने जा सकता हूँ? जाना पी लेना। वही पूछ रहा था, बड़ा आज्ञाकारी बनता है। अरे ओहो, आइए आइए आइए, आप कौन? ट्रांसपोर्ट। अच्छा मतलब रख दो उधर। क्या है सब ये? क्या भाई है? अरे भाई क्या है, क्या सब ये? ये वासत की दाल है और भाल के चावल है, सुंदर शेठ ने अहमदाबाद से भेजे। अरे वाह, देखा आपने, ये वासत की दाल और चोखा मेरे वीरा सुंदर ने मेरे लिए भेजे। तूने मंगाए थे? नहीं। चलो लग गया चूना। आप एक काम कीजिए ना, इसे उठा कर अंदर किचन में रख दीजिए ना। अरे शेठ आप रहने दो, चंपक रख देगा ना। क्या बोला, दिमाग जगाने में तुम्हारा क्या मतलब, क्या तुम्हारा क्या बोला? मेरा आदमी चंपक रख देगा। तुम्हारा आदमी का नाम और मेरे बापूजी का नाम भी चंपकलाल है ना, तो इसलिए मैं बोला। ये क्या बोल रहा है भाई? माफ करना बापूजी। चंपक रख दो अंदर सब। आइए भाई मैं बताती हूँ, आप उठा लीजिए। हाँ, अभी सीधा आके लेफ्ट मारने का है। आइए भाई आप भी संभल कर। हाँ यहाँ पर ही रखिए। कितना हुआ भाई? 300। अरे वो तो मजदूरी का, माल का कितना हुआ? माल का 7,000। ये लो ये 7 और ये मजूरी का तुम्हारा 300। ठीक है साइन सर। हाँ लाओ भाई। हेलो थैंक यू। अरे वीरा तूने तो कमाल कर दिया। क्यों बेटा क्या हुआ? अरे क्या हुआ क्या, पता है कितना टाइम हो गया वासत की दाल और भाल के चावल खाए हुए, अब तो खाने में मजा आ जाएगा। अच्छा अच्छा मिल गया वो सब? हाँ हाँ मिल गया। थैंक यू वीरा। अरे वीरा को क्या थैंक यू बोल रही है, बोलना तो मुझे थैंक यू बोल, पैसे मैंने चुका है। ए बेना ये पुराना दरवाजा करोड़ो लो लो करोड़ो लो लो खुल रहा हो, ऐसी आवाज क्यों आ रही है?
अरे नहीं नहीं, ये कोई पुराने दरवाजे की आवाज नहीं है, तुम्हारे पुराने जीजा जी की आवाज है। ला इधर ला। ए सुंदर। क्या जीजा जी, खुश हो ना? क्या जीजा जी खुश तो, अरे जिसका तेरे जैसा साला हो वो कभी जिंदगी में खुश रह सकता है? क्या प्रॉब्लम क्या है आपको जीजा जी? हमेशा बिना पूछे तो कुछ ना कुछ इधर भिजवाता रहता है, जिसके पैसा मुझे चुकाना पड़ता है वो भी हजारों में। अरे पर ये तो इस बार फ्री में आया है ना? क्या? अरे हमारे वहाँ धनसुख लाल सेठ जी है, उनकी स्वर्गस्थ माता जी चिंतामणि ने सेंचुरी मारी है। क्या मतलब? उन्होंने 100 साल पूरे किए और फिर चल बसी, तो उनके बेटे धनसुख लाल ने तय किया कि वो उनके पीछे 100 गरीबों को अनाज दान देंगे, तो मैंने आपका नाम भी लिखवा दिया। मतलब ये दान का है? हाँ, हम लोग तो दान का खाते नहीं, इसलिए आपके लिए भिजवा दिया। भाई तू ये अभी बता रहे, पहले बोलना चाहिए ना। और ट्रांसपोर्ट वाला मुझे 7,000 रुपए लेके गया है। उसे तो सिर्फ मजदूरी के पैसे दे रहे थे। एक काम आपसे ठीक से नहीं होता है जीजा जी, हर वक्त घर में घोटाला कर डालते हो। अभी ये सब छोड़े, काम कर अभी के अभी, और ट्रांसपोर्ट वाले की अहमदाबाद के ऑफिस में जा और 7,000 रुपए लेके अभी के अभी। आपको क्या लग रहा है मैं कांकरिया में बैठे बैठे बोटिंग कर रहा हूँ? मेरे पास गुप्त का टाइम पड़ा है। सुंदर ठीक है, जब टाइम मिलेगा तो मैं लेके आऊंगा। मैं वो दीवार हूँ जिसके ऊपर सुंदर नाम का चूना लगता ही रहता है। बस मैंने नक्की किया, अभी मैं न्यूज़पेपर में एक जाहिरात देने वाला हूँ जिसमें लिखूंगा आप शादी कर रहे करो, कोई प्रॉब्लम नहीं करो, लेकिन पहले चेक करो आपको साला है। अगर है तो पहले साले के साथ अपनी कुंडली मिलाओ। बीवी के साथ कुंडली मिले ना मिले जरूरी नहीं है, लेकिन साले के साथ कुंडली मिलनी बहुत जरूरी है। माधवी। हाँ बोला। अरे माधवी बात तो सुनो। हाँ बोला ना। तुम्हारे आचार का पेमेंट और मेरी ट्यूशन की फीस मिलाकर पूरे 25,776 रुपए लेकर आया हूँ। एक मिनट। हाँ। एक दो कहाँ से निकाल रहे हो? देखो ये 4। अरे और ये 5। ये 5,000। हाँ। ये 10,000। हाँ। ये 15। ये 20। और ये रहे बचे हुए 5,776 रुपए। हो गए पूरे 25,776 रुपए। हाँ पर ये अलग अलग जेब में क्यों रखे थे? दिमाग का इस्तेमाल किया माधवी, दिमाग का इस्तेमाल किया। क्या है, अगर ये जेब कट गई तो यहाँ पे पैसा है, अगर ये कट गई तो यहाँ पे पैसा है, नुकसान नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? और ये देखो ये दोनों जेब खाली है, पूछो क्यों? क्यों? चोर को मूर्ख बनाने के लिए। ये लीजिए चाय। हेलो बेना, मैं वीरा। हाँ बोलो वीरा। अरे भाई उसको पूछो 7,000 लेके आया कि नहीं, और ट्रांसपोर्टर से। हाँ हेलो सुंदर, ये तुम्हारे जीजा जी पूछ रहे हैं कि 7,000 रुपए लेकर आए कि नहीं। बेना उनको बोल दो ना कि कल तो मैंने फोन किया था, दे दूंगा उनके पैसे, उनके पैसे थोड़ी ना मैं खा जाऊंगा। हाँ वो अभी थोड़ा बिजी है ना, तो टाइम मिलेगा ना तब लेकर आएगा। हाँ अरे कौन सा काम में बिजी है, क्या काम करता है वो? हाँ बेना एक खास काम है। हाँ बोलो। मेरा एक दोस्त है छगन, वो मुंबई में आया हुआ है। हाँ। और उसे अभी 20,000 रुपए चाहिए, तो जीजा जी को बोल के जरा दिलवा देना ना उसको। हाँ दिलवा दूंगी। अच्छा बेना एक दूसरा भी काम था, मेरा एक खास दोस्त है मगन, वो भी अभी मुंबई में है और उसे अभी 5,000 रुपए चाहिए, तो जीजा जी को बोल के उसे भी जरा पैसे दिलवा देना। उसको भी दिलवा दूंगी। और कोई है? नहीं नहीं बेना, और जीजा जी को बोल देना अगले हफ्ते मैं मुंबई आ रहा हूँ तो उनके पैसे मैं दे दूंगा। अरे ऐसे पैसे की कोई जल्दी नहीं है। अच्छा चलो फोन रखती हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बेना। क्या दिलवा दूंगे पैसे की जल्दी नहीं है, क्या बोल रही थी फोन में? मेरा वीरा सुंदर है ना, उसके 2 मित्र आने वाले हैं, एक छगन भाई उनको 20,000 रुपए देने के हैं और दूसरे मगन भाई उनको 5,000 रुपए देने के हैं। अभी अगले हफ्ते ही तो सुंदर आ रहा है, तो आपको लौटा देगा पैसा।
अच्छा, लेकिन क्या है ना दया, हाँ। वो जेठालाल कोऑपरेटिव बैंक है ना, बंद हो गई, तो उसमें वो सुंदर का अकाउंट था ना, वो भी बंद हो गया। मतलब सुंदर की ओर से मैं किसी को एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाला हूँ। क्या भी ऐसे थोड़ी होता है, मित्र के सामने मेरे भाई की नाक कटाओगे क्या? अरे पैसे जरूरी है तो दीदी भी मदद करता, हमें गरीब कैसे खुद होता। आप पैसे दीजिए ना प्लीज, रिक्वेस्ट। ठीक दे दूंगा, लेकिन आखिरी बार दे रहा हूँ, आइंदा मुझे कभी भी मत बोलना कि सुंदर की ओर से इसको एक रुपया देना, इसको दस रुपया देना, इसको पचास पैसा देना। थैंक यू। अच्छा आप नहा धोकर तैयार हो जाइए, तब तक मैं माधुरी बहन को दाल देकर आती हूँ। और हाँ, आज आपके लिए स्पेशल वासत की दाल की पूरन भोली बनाऊंगी। अरे दया भाभी आप, हाँ। आइए आइए, ये लीजिए। क्या है इसमें? दाल। दाल? आप पहले जल्दी इसमें लीजिए, जल्दी। रुके रुके, क्या मेरा वीरा सुंदर है ना, उसने वासत की पेशियर तुवर दाल भेजी है, और मुझे पता है आप तुवर दाल का बहुत उपयोग करती है, इसके लिए आपके लिए ये लेकर आई हूँ। थैंक यू दया भाभी। कितने पैसे हुए? ए भीड़े बहन, आपका माथा घूम गया है क्या? अरे खबरदार, जो मुझसे पैसे की बात की तो बिल्कुल नहीं है, पैसे नहीं। अरे भीड़े भाई समझाइए जरा। अरे भैया भाभी, अरे नहीं नहीं, अरे नहीं सर। अरे क्या ये, क्यों नहीं दिए पैसे उन्हें? अरे आपने देखा ना, वो ना बोलकर चले गए। अरे कल अगर सोसाइटी में पता चला कि आत्मारा भीड़े ने जेठालाल से फ्री में तुअर दाल लिए तो मेरी नाक कट जाएगी। देखिए आपको इतना लग रहा है तो आप खुद जाकर पैसे देके आइए, मुझे मत डांटिए। ठीक है मैं ही जाता हूँ। वैसे ये कितने किलो के अंदाजन? ये 5 किलो का डब्बा है। अच्छा 5, और क्या भाव है तुअर दाल का? 50 रुपए। 50 रुपए यहाँ पे मतलब वासत में 40 रुपए होगी, इसका मतलब 5 40 200 रुपए है। हाँ ठीक है मैं ही देके आता हूँ। अरे सुनिए, पैसे लिए क्या? हाँ है। अरे ये क्या क्या हो रहा है ये? हाँ किसने बोला यहाँ पे इडली वड़ा बेचने के लिए? हाँ क्या सेवा है, आपको मालूम नहीं है सोसाइटी नियम क्रमांक 23 सेक्रेटरी के परमिशन के बगैर कोई भी बाहर की चीज यहाँ पर लाकर बेचना और खाना मना है। चलो चलो ये उठो यहाँ से, चलो। ए भाई निकल यहाँ से, चल। कितनी बार बोला यहाँ पे नहीं आने का, अगली बार ध्यान रखना सेवाभागी। हाँ चलो निकलो। अरे ये बेशिस्त, इनको देखो एग्जाम नजदीक आ रही है फिर भी क्रिकेट खेल रहे। अरे जाओ जाओ पढ़ाई करो। जेठालाल घर पर हो? नहीं भाई बाहर गए। क्या तुम भी भीड़े देख रहा है, बैठा हो तभी घर में हो, बैठ बैठ बैठ। हाँ नहीं मैं ऐसे ही पूछ रहा था कि भाई घर में हो तो अच्छा है। हाँ जेठालाल ये रहे तुम्हारे पैसे। किस चीज के भाई? वो दया भाभी अभी आई थी दाल लेकर, वो उसी दाल के पैसे। भाई उसका कोई पैसा नहीं, वो फ्री में रख रख। अरे नहीं जेठालाल नहीं, जब से वो फ्री की सीटी गले में अटकी थी तब से मैंने निर्णय लिया है कि भाई कोई भी फ्री की चीज को मुंह नहीं लगाऊंगा, और ये तो फिर भी दाल, ये तो मुंह में ही जाएगी। नहीं बाबा नहीं, आप रख लो 200 रुपए। देखो 40 रुपए हिसाब से 5 किलो के होते हैं 200 रुपए। 200 रुपए भाई भीड़े, आज संडे है, बैंक सब बंद है, क्या अचानक तुझे पैसों की जरूरत पड़ी तो तू कहाँ जाएगा भाई? इसलिए क्या है ये 200 रुपये तू अपने पास रख, क्या 200 रुपये जितनी रकम घर में हो ना तो एन मौके पे काम आती है भाई। रख रख रख। जेठालाल बस जा रहे हो? चलो बस जेठालाल। अरे भाई तू बस क्या भाई, बैठना क्या 200 200 को लेके यार इतना वो टेंशन ले रहा है।
माना कि तुम्हारे पास ज्यादा पैसा है, लेकिन तुम्हारी विशेष जानकारी के लिए बता दूं कि आज की तारीख में मेरे घर पर भी पूरे 25,000 रुपए पड़े हैं। 25,000? यस। अरे भीड़े भाई। यस। ए, भीड़े हो तू दाल देकर आई ना उसके घर पे। हाँ? उसके पैसे देने आए। जी, ये आप क्या कर रहे हैं? मेरी माँ कहती है कि 3 लोगों को दी हुई चीजों के पैसे कभी भी वापस नहीं लेते हैं। 1, गरीब को दान में दी हुई चीज के पैसे कभी भी वापस नहीं लेते हैं। क्या? नहीं, आप उसमें नहीं आते हैं। 2, कमजोर को उधार में दिए हुए पैसे कभी भी वापस नहीं लेते हैं। आप उसमें नहीं आते हैं। और 3, पड़ोसी को दी हुई गिफ्ट के पैसे नहीं लेते हैं। हाँ, वो सब ठीक है दया भाभी, लेकिन फिर भी आप आप हमारे पड़ोसी है कि नहीं? मैं नहीं लूंगी। हाँ, नहीं। अरे भाई तू क्या भी रखना भाई, 200 रुपए के लिए बस अब यार, कितना तू वो करेगा भाई। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आपका ये एहसान मुझ पर उधारा, लेकिन आपको भी मुझे मौका देना होगा कि मैं आपकी मदद कर सकूं। हाँ, मुश्किल है। हाँ? देंगे भाई, तुमको भी मौका देंगे। हाँ? कि तुम हमारे काम आ सको। हाँ। चलो देवा भी, चलता हूँ। चलो जेठालाल। नहीं, मैं घर पर ही हूँ भाई। अरे मतलब मैं जा रहा हूँ। अरे भाई मैं मजाक कर रहा हूँ। जेठालाल जी। हाँ बोलो। जी नमस्ते, मैं मगन, सुंदरलाल का दोस्त। बैठिए ना, थैंक यू। बैठिए। आप क्या लेंगे, चाय कॉफी? एक्चुअली मैं कुछ गर्म नहीं लेता। अच्छा तो कुछ ठंडा लेंगे? नहीं जरूरत नहीं है। अरे क्या नहीं, नहीं तैयारी है। ये टप्पू के लिए नींबू पानी बनाया था ना, तो बाहर खेलने के लिए चला गया, ग्लास ऐसे ही पड़ा है, अभी लेकर आई। किधर जाना है? हाँ लो भाई, मगन, ये लो 20,000। 20,000? पर मुझे तो बस नहीं, जितना सुंदर ने बोला उतना ही मिलेगा, उसे 1 रुपया ज्यादा नहीं मिलेगा। देखिए आपकी कुछ गलत फहमी है। कोई गलत फहमी नहीं हो रही है, मैं सब समझता हूँ। अरे पर बार बार कुछ नहीं, अपने पर फैलाओ और उड़ो यहाँ से। मिल गए ना 20,000 आपको, चलो जो बोलना है अभी सुंदर से बात करना, चलो। ठीक है, as you wish. Oh, by the way, thank you. Naughty. कैसे कैसे दोस्त है सुंदर के। अरे बाप रे। अरे दया। आई। बोलिए। मैं वो एक फॉरेन की पार्टी है, उनको मिलकर जरा आ रहा हूँ। फॉरेन जा रहे हैं? अरे जुहू में 5-स्टार होटल है, उधर जा रहा हूँ। रुक जाइए। क्या हुआ? आपका शर्ट निकालिए जल्दी। ए, ये क्या रविवार की सुबह सुबह क्या? अरे आपका शर्ट पीछे से फटा हुआ है। किधर? ऐसे नहीं दिखेगा। मैं दिखाती हूँ, देखिए। समझ गया भाई, मुझे तेरी बात पे विश्वास है। तो जाइए जल्दी, शर्ट बदल कर आइए। ये तो चमत्कार हो गया। क्या? जिंदगी में पहली बार तूने पूरी सोसाइटी के सामने बालकनी में नहीं घर में ही मुझे बता दिया कि मेरा शर्ट फटा हुआ है। मैं नहीं, दरवाजा बोला। तो दरवाजा खोलने जाने का विचार है या छोड़ देते ऐसे ही? ओहो, आइए आइए आइए।
आइए आइए, आप कौन? मैं छगन, आपके भाई सुंदर का फ्रेंड्स, और ये मेरी वाइफ छबीली है। ओहो, अच्छा, आइए आइए, बैठिए बैठिए छगन भाई, बैठिए। हाँ, तो आप है छछा? हाँ, मतलब छगन भाई छबीली बहन। टप्पू के पापा। हाँ, आइए ना जरा। कौन है वो? मेरा मेरा सुंदर है ना, उसके ये मित्र है, ये छगन भाई और ये छबीली बहन और ये टप्पू के पापा। अच्छा अच्छा, तो आप जेठालाल? दिखने में कितने डफोर दिखते हैं, नहीं? ये भाई है, ये क्या है? ये छबीली है, मेरी वाइफ है, ऐसी ही है ना? जो भी होता है ना, डायरेक्ट फेस पे ही कहती है। अच्छा, आप अभी नाश्ते में क्या लेंगे? क्या लेंगे? कुछ नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। अरे क्या कुछ नहीं, अरे कुछ तो लेना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरा वीरा क्या सोचेगा कि मेरे मेहमानों का ख्याल नहीं रखा। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको पानी पिलाऊंगी, तब तक आप सोचिए कि क्या खाना पीना है। अरे दीदी दीदी, रहने दो रहने दो, हमको क्या वो गोवा की फ्लाइट पकड़नी है ना, हमारी नई नई शादी हुई है और हम लोग है ना हनीमून पे जा रहे हैं, गोवा जाएंगे, समंदर में डुबकी मारेंगे, मैं फोटो निकालूंगा। अरे देखा आपने, देखा, इनकी नई नई शादी हुई है, अभिनंदन। ओ, ओ, दरिये में से बाहर निकलो, अभिनंदन। थैंक्स। वो भाई बहन जरा वो पैसे का वो लेट हो रहा है ना इस। अरे हाँ हाँ भाई, चलो भाई 5,000। क्या कुछ है और? हाँ, और 15,000। नहीं, आपको 5,000 देने का ही बोला है। 20,000 की बात हुई थी। 20? हाँ, छगन भाई को 20,000 रुपए देने के हैं। अच्छा, आप छगन भाई? हाँ। आपको 20,000 देने? हाँ। एक मिनट। बाकी आपकी जोड़ी एकदम रसगुल्ला और चाशनी जैसी लगती है। ये छगन को 20 देने हैं तो 20 तो मगन ले गया, अभी इसको भी 20 देना है तो 40 हो गया, और देना टोटल तो सिर्फ 25 है, तो 15 मुझे लेने के निकले, लेकिन इनके साथ तो मेरा कोई हिसाब ही नहीं है। एक मिनट, छगन का 20। ओ सुंदर, कोई फोन करेगा पूछता ना क्या मगज मारी है ये। हेलो, एक मिनट, चलो रख। ये रूम में हम बेड रखते हैं, इसलिए हम सब मुंबई वाले इसको बेडरूम कहते हैं। हाँ, देखो देखो, एक मिनट आया मैं। तो देख लिया? हाँ, हेलो, चलो। हाँ सुंदर, आइए आइए आइए। एक मिनट, चल। क्या देख लिया? हाँ। इतनी जल्दी? हाँ। किचन किचन देखा क्या? नहीं। अरे ओ भाई बहन, हमको लेट हो रहा है, हमको प्लेन पकड़ने का, पैसा दो, हमको जाना है, जल्दी करो अभी। ले, दया किचन देखने का नाम बोल रहे? अरे किचन तो मेन है, वो नहीं देखा तो और क्या देखा? हेलो सुंदर। बोला जीजाजी। वो फोन इसलिए किया था, कुछ पूछना है तुमसे। वो मगन को 20,000 और छगन को 5,000 देना है, बराबर ना? अरे नहीं नहीं जीजाजी, छगन को 20,000 और मगन को 5,000 रुपया देने थे। अच्छा, अरे बाप रे। क्यों, क्या हुआ? वो मैंने गलती से मगन को 20,000 दे दिए। अरे जीजाजी, इतनी बड़ी गलती कर दी आपने, आपका नाम जेठालाल नहीं गड़बड़लाल होना चाहिए। ये तो कुछ नहीं है भाई, इससे भी बड़ी गड़बड़ हो गई है मुझसे। क्या? तुम्हारी बहन दया से मेरी शादी हो गई है। जीजाजी, उसमें तो अभी कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन अभी आपको छगन को पैसे तो देने ही पड़ेंगे। अरे कहाँ से दूँ, मेरे पास नहीं है 20,000। व्यापारी होकर घर में 20,000 रुपए नहीं रखते हो?
अरे भाई नहीं है, होते है तभी लाखों रोकड़े पड़े रहते, लेकिन अभी 2000 भी नहीं है तो क्या करूं? एक काम कर, छोड़ भाई मगज मारी छोड़, मैं दुकान से लेके आके दे देता हूँ उसको, ठीक है? अरे जीजा जी, आप में अक्कल है कि नहीं? अरे तब तक तो उसका प्लेन उड़ जाएगा। अरे फ्लाइट पकड़ने के लिए क्या क्या करना पड़ता है आपको पता है? सबसे पहले सामान चेक करवाना पड़ता है, फिर सिक्योरिटी करवानी पड़ती है। कभी प्लेन में बैठे हो कि नहीं बैठे हो? अरे जीजा जी, आपने तो मेरी नाक कटवा दी। अरे पैसे नहीं दे सकते हो तो पहले से मना कर देना चाहिए, आप पे तो भरोसा ही नहीं करना चाहिए। अरे मुंबई में आपसे ज्यादा जान पहचान है मेरी। अरे यूँ फटाक से 5 लाख रुपया दिलवा सकता हूँ वहाँ। एक काम कर भाई, 5 लाख रहने दे, तू अभी उसे 15,000 का इंतजाम करवा दे, क्योंकि 5 तो मैं उसको दे चुका हूँ। नहीं जीजा जी, गड़बड़ आपसे हुई है तो पैसे भी आपको ही देने पड़ेंगे। भगवान, कैसा साला दिया है मुझे? दूसरे साले अपने जीजा जी को पलकों पे रखते और ये मुझे अपनी उंगली के इशारे नचाता रहता है, अभी क्या करूं? चलो जल्दी करो, हमको लेट हो रहा है, 15,000 दे दो बाकी का। दे रहा हूँ। अरे जल्दी दे दीजिए ना उनको, उनका लेट हो रहा है। वो अभी वही बोले, मैंने सुना, दया दे रहा हूँ बोला ना। आप लोगों ने नाश्ता किया? देखो भाई बहन, हमको नाश्ता नहीं करना है, हमको लेट हो रहा है। देखो नहीं, ये आप बिना नाश्ता किए जाएंगे तो सुंदर को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? अरे मेरा साला मुझे डांटेगा भाई। अभी नाश्ता नहीं करना है, हमको लेट हो रहा है, हमारा फ्लाइट्स मिस हो जाएगा ना। अगर फ्लाइट्स मिस हो गई और अपना हनीमून कैंसिल हुआ ना, तो अकेले मनाना हनीमून। ए भाई बंद करो ये सब। देखो अगर हमारी फ्लाइट्स मिस हो गई ना, तो टिकट के पैसे भी तुमको ही देना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, उसकी नौबत नहीं आएगी भाई। एक काम कर, अब थोड़ा नाम का थोड़ा सा नाश्ता दो, तब तक मैं जरा पैसे का इंतजाम करके आता हूँ। अरे ना, ए पार्टी ना बोला ना, नाश्ता नहीं करना। अरे हमको लेट हो रहा है दीदी, बैठी ना थोड़ा थोड़ा। अरे हाथ में दे दो नाश्ता। अरे मैं अभी आ रही हूं नाश्ता लेके, बैठी ना झटका। अरे लेट हो रहा है। हे भगवान, क्या करूं, कहां से इंतजाम करूं 15,000 का? क्या मुसीबत है। मुसीबत से याद है मेहता साहब। मेहता साहब, जेठालाल बोल रहा हूँ। देखो जरा, आप किसी भी तरह अर्जेंट एक 15,000 रुपया रोकड़ा लेके मेरे घर पे चुपचाप आ जाओ ना, मैं आपको कल तक लौटा दूंगा। कौन सा फंक्शन में गए आप? और आज फंक्शन में जाने की क्या जरूरत? सॉरी, नहीं नहीं भाई, शाम तक कोई फायदा नहीं मेहता साहब, अभी 10-15 मिनट में चाहिए। ना आप टेंशन मत लो, चलो कुछ करता हूँ मैं। हाँ ना, आप एंजॉय करो फंक्शन। भगवान, क्या करूँ, कहाँ से लाऊं? ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, एक काम करता हूँ, सोसाइटी में जाके पर्सनली किसी के घर जाके कुछ करना पड़ेगा। बराबर, चलो। क्या कर रहा हूँ मैं, दिमाग खराब हो गया है मेरा, बाप रे। बबीता। हाँ? अरे तुम ये पैसे भूल गई। ओह नो सॉरी, अब प्लीज जरा नीचे लेके आओ ना। आता। अभी सोसाइटी में किसके घर जाऊँ पैसा मांगने? डॉक्टर हाथी के पास होगा रोकड़ा, सब पेशेंट लोग रोकड़े में फी देते हैं ना। हाय जेठा जी। हाय। हेलो बबीता जी। ओके बाय। क्या जेठा जी, आप जरा टेंशन में लग रहे हो। नहीं नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। ये लो पूरा 20,000। अरे इतना थोड़ी चाहिए, मुझे सिर्फ 5,000 चाहिए, जल्दी निकाल के दो। वेरी गुड। ये लो। थैंक यू सो मच। बाय बबीता जी। बाय। अय्यर भाई मेरा दोस्त, मेरा यार। अय्यर भाई, आपसे थोड़ा काम था। बैरे से? ओके, सिर्फ 1 घंटे के लिए, 1 ही घंटे के लिए मुझे थोड़ा 15,000 रुपये की जरूरत थी। नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है। इतना बड़ा झूठ,
ऐसा डायरेक्ट मुंह पे झूठ बोल रहे। अभी मैंने देखा आपने जेब में रखा 15,000 यार भाई, ऐसा झूठ मत बोलो आप। नहीं क्या है जेठालाल, मेरा लाइफ का एक रूल है, किसी को उधार देने का नहीं और किसी से उधार लेने का नहीं। नहीं उधार मत लो वो बराबर है, लेकिन मुझे उधार दो। नहीं नहीं नहीं, रूल इज रूल यार भाई, रूल होता है तोड़ने के लिए है? देखो जेठालाल, पैसों के व्यवहार से वो संबंध बिगड़ते हैं। अरे हाँ, हमारे साथ संबंध बिगड़ने का रिस्क मैं नहीं ले सकता। करेक्ट, बराबर। पास आप पास हो गए। नहीं मुझे क्या है, पैसे की जरूरत नहीं थी, मैं खाली तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि मैं पैसा मांगता हूँ तो तुम मुझे देते हो कि नहीं। तुमने नहीं दिया, वेरी गुड। हाँ करेक्ट, आप लाइफ जी रहे। चलो निकलो अभी। ए जात का, अभी क्या करूँ, किससे पैसा मांगू। देखिए आप मेरा वीरा सुंदर के दोस्त है, बराबर नाश्ता तो करना ही पड़ेगा और पेट भर के नाश्ता करना पड़ेगा, फिर भले ही पेट खराब हो जाए। अरे मेरे पास चूरन है ना, तो सब ठीक हो जाएगा। टप्पू के पापा भी बहुत खाते हैं ना, फिर पेट बिगड़ जाता है, तो मैं चूरन दे देती हूँ तो सब ठीक हो जाता है। आते ही होंगे आप, बैठिए तो सही। बैठिए बैठिए दया बेन, प्लीज हमारी फ्लाइट मिस हो जाएगी तो हनीमून के लिए कैसे पहुँच पाएंगे। हनीमून रोज रोज नहीं होता ना। हाँ अरे हमारा तो एक बार भी हनीमून नहीं हुआ है। पता है टप्पू के पापा और मैं शादी के बाद सब सगा संबंधी के साथ जूनागढ़ में गिर के जंगल में शेर देखने के लिए गए थे, और शेर ने ऐसी दौड़ मारी कि टप्पू के पापा तो ऐसे सोचने लगे थे अब उसमें डरने का क्या। लीजिए ना ये, लीजिए ना चूड़ा, लीजिए। बेटा भाई अभी तक नहीं आया, ले ले रहे। आते होंगे आप, बैठिए ना, आते ही होंगे। ये लीजिए खाखा तो लीजिए, स्पेशल है ये मेथी के। ये डॉक्टर हंसराज आते भी आइटम है, दाल पकवान खाने के लिए चेंबूर गए। बोलो इनका खाने के अलावा कोई सोचता ही नहीं। असोडी खावे मस्त हो जावे। जीता पूरा परेशान दिख रहा है यार, क्या करूं। और जेठा पूरा परेशान दिख रहे हो यार, हमेशा की तरह। ओ यार मेरा टेढ़ा साला है ना सुंदरलाल, उसकी वजह से। ओ जेठा लाल तुम्हारा साला टेढ़ा है तो क्या हो गया यार, साला तो तुम्हारा ही है ना। और वैसे मुझे वो बंदा बहुत चंगा लगता है जी। छोटी यार मेरे दोस्त को अर्जेंट पैसों की जरूरत है, अभी क्या है मेरे घर पे रोकड़ा नहीं है, तो सिर्फ एक घंटे के लिए तू मुझे दे सकते है। ओ यार तुम्हारा दोस्त मेरा दोस्त, बोल कितने चाहिए। सिर्फ 15,000। ओ सिर्फ 15,000, ओ मैं तो 1.5 लाख रुपया दे सकता हूँ। अच्छा अगर अभी मेरे पास होते तो। तो अभी कितने। अभी तो 1500 है, चलेगा। नहीं चलेगा। तो मैं चलूं। चलेगा। क्या करूं। तुम्हारी विशेष जानकारी के लिए बता दूं कि आज की तारीख में मेरे घर पर भी पूरे 25,000 रुपए पड़े हैं। भीड़े, अरे भीड़े ने बोला था आज की तारीख में मेरे पास 25,000 पड़े हैं, लेकिन भीड़े से पैसे मांगू। आपका ये एहसान मुझ पर उधार रहा, लेकिन आपको भी मुझे मौका देना होगा कि मैं आपकी मदद कर सकूं। मुश्किल है, है? चलेगा भाई मांग लेने, जब गरज होती है तो गधे कभी बाप बोलना पड़ता है भाई। क्या है ये, क्या लिखा है यहाँ, अरे अक्षर का कोमड़ी चे पाए मूर्ख, 10 बार लिखो इसे, 10 बार मूर्ख कुटला। मैं कमिंग सर। अरे जेठालाल आओ आओ। ओ, बच्चों को पढ़ा रहे हो। हाँ वाह वाह भेड़िया वाह, ये जो समाज सेवा तुम कर रहे हो। क्या नहीं करूं। नहीं नहीं, अरे ये सेवा समाज की बहुत बड़ी सेवा कर रहे हो तुम। अरे ये भीड़े से कैसे मांगू पैसे। भीड़े जिंदगी क्या है,
क्या है? अरे ये चिंटू यहाँ क्या देख रहे हो? यहाँ मत देखो, जिंदगी में अगर ऊपर आना है तो नीचे देखो, पढ़ाई करो। हाँ क्या कह रहे थे तुम? वो जिंदगी क्या क्या हुआ क्या जिंदगी को? नहीं मैं बोल रहा था जिंदगी क्या है, पैसों की जरूरत है, रोज तुमको होती आज मुझे है। मतलब आज मुझे थोड़ा वो। अरे जेठा भाई आप कब आए? मैं बस वो एक मिनट ये लीजिए रिसीट। हाँ। आप बैठिए मैं चाय बना कर लाती हूँ। अरे हाँ जेठा भाई को बताइए ना पॉलिसी के बारे में, टप्पू के लिए अच्छी है। बताता हूँ। मैं आती हूँ। क्या यह पॉलिसी? अरे मेरा साला है रत्नागिरी में रहता है, इंश्योरेंस एजेंट है, उसके पास बच्चों के लिए बहुत अच्छी पॉलिसी है। बच्चों पढ़ाई पे ध्यान दो। हाँ क्या कह रहा था? हाँ तो उसके पास एक बहुत अच्छी पॉलिसी है जिसमें सिर्फ 25,000 रुपए इन्वेस्ट करने, एक ही टाइम। जब बच्चा 18 साल का हो जाएगा तो उसको 2,50,000 रुपए मिलेंगे। मेरी सुनो के लिए मैंने वही ली है, तुम भी ले लो टप्पू के लिए। मतलब 25,000 तुमने रत्नागिरी भिजवा दिया? अभी माधवी कुरियर करके आई है, ये रही उसकी रिसीट। ये टिंकू फिर से सो गया रे, ये टिंकू। ए भगवान मेरा साला तो मुझे नड़ता ही है, आज ये भीड़े का साला भी मुझे नड़ा। अभी क्या करूं, किससे पैसा मांगू? अरे लेट सो रहा है, कब आएंगे ये जेठाला? छगन डार्लिंग लगता है हमारा हनीमून बिगड़ के ही रहेगा। अरे नहीं नहीं कुछ नहीं बिगड़ेगा, और देखो तुम 5 सोमवार की मानते रखो, बिगड़े हुए काम भी अच्छे हो जाते हैं। आप लोग बैठिए ना, बस टप्पू के पापा आते ही होंगे। आ गए टप्पू के पापा। अरे कहाँ चले गए थे आप? चले गए थे कहाँ आप? भाई बहन तुम्हें टाइम्स की कोई कीमत है कि नहीं? अरे भाई मुझे तो टाइम की कीमत है, टाइम को मेरी कीमत नहीं है। मतलब मैं समझाती हूँ, इनके पैसे देने की नियत ही नहीं है। ये छेल छबीली, छगन की छबीली। हाँ तो छगन अपनी छबीली को संभाल, कब से कुछ भी बोल रही है, चटर पटर चटर पटर। ये देख तेरे सुंदर की वजह से आज मेरे ही घर में मेरी बेइज्जती हो रही है। तो फिर दे दीजिए ना पैसे। अरे कहाँ से दूँ, नहीं है मेरे पास पैसे। आपने हमारा हनीमून बिगाड़ा है, आपको बहुत बड़ा पाप लगेगा। जी अब तो बाद में सबको पता चलेगा तो सुंदर को ताना मारेंगे, कहेंगे कि उसके जीजा जी किसी के हनीमून के पैसे खा गए। क्या बोल रही है दया? अरे पैसे किसके, हनीमून किसका, टेंशन किसका? मेरा पैसा, मेरा हनीमून, मेरा टेंशन। तू तो ऐसी बात करे जैसे मैंने तुझसे पैसे लिए और तुझे लौटा नहीं रहा हूँ। पैसे सुंदर ने लिए तुमसे तो उसको जाके बोल चीटर, मुझे मत बोल चीटर। अरे तू जाके अपने सुंदर भाई को बोल देना आइंदा मेरे घर में ऐसे कोई पैसे मांगने नहीं आना चाहिए। इसका मतलब क्या है? मेरे पैसे इसलिए मांग रहा हूँ मैं, सुंदर ने मेरे पास से पैसे उधार लिए थे और सुंदर ने बताया कि आपके पास से पैसा ले। तुम सारा जीजा जी में जो भी हो मुझे नहीं पता। भाई तो सुंदर को जाकर बात करना था। मुझे मेरे पैसे दो, हमें हनीमून पर जाना है। मत मना हनीमून, तलाक दे तलाक इस लड़की को। ए, क्या बात कर रहे हो? फटे बोलने का भान नहीं है। अरे बैठे तो मेहरबानी कर रहे मेरे ऊपर। मेरे पैसे। अरे ये जेठा क्यों शोर मचा रहा है, क्या हुआ है? और कौन है ये लोग? बापूजी मैं बताती हूँ हुआ यूं। ओहो तो दे देना भाई इनके पैसे। अरे फिर वही बात बापूजी, कहाँ से दूँ? अभी मेरे पास घर में इतने रोकड़े नहीं है, मैंने बोला दुकान से ला कर देता हूँ तो ये लोग रुकने को तैयार नहीं है। तो कहाँ से रुके, हमारी फ्लाइट चली जाएगी ना। हाँ भाई शांति रख शांति रख। कितने पैसे देने हैं तुझे? 15,000। हाँ तो कोई बात नहीं मैं दे देता हूँ। आपके पास कहाँ से है बापूजी? क्यों भूल गया, कल रात को तूने मुझे दुकान से लाके 50,000 रुपए दिए वो गांव का घर ठीक करवाने के लिए। हे भगवान, कांख में छोरा और गाँव में ढिंढोरा। पापा कांख का मतलब क्या? बेटा गोद। चल भाई चल मैं देता हूँ पैसे। चल। चलो 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 हनीमून पे जाने का है। आश
टला बली बली टला, अरे काय की टली बला, ये सुंदर जीजाजी। हेलो हेलो सुंदर। हाँ जीजाजी, हो गया काम? क्या काम हो गया बड़ी, इधर मेरा काम तमाम हो गया। क्यों, क्या हुआ, क्या हुआ? देखो भोला कितना है उसको पता ही नहीं जैसे क्या हुआ। अरे भाई एक बात सुन ले, आज के बाद तेरे और मेरे बीच में कोई संबंध नहीं है, समझ गया? ना तू मुझे फोन करेगा ना मैं तुझे फोन करूंगा। जीजाजी मेरी कुंडली ऐसी है कि जो मुझे ना कहता है उसे ही सबसे पहले मेरी जरूरत पड़ती है, सोच लो। चल चल अवे। नॉनसेंस। क्या ऐसे क्या देख रही है? तेरा भाई एक नंबर का जेब कतरा है, जेब कतरा। जब देखो तब मेरी जेब काटता रहता है। बस आज के बाद तू भी उसके साथ कोई संबंध नहीं रखेगी, तो उसको फोन नहीं करेगी। बात आई समझ में? उसका फोन आया तो फोन काट देने का। आई बात समझ में? अरे बहू क्या हुआ, क्यों रो रही है? बापू जी इन्होंने मेरे वीरा सुंदर से संबंध तोड़ दिए है। और मुझे भी मेरे वीरा से बात करने के लिए मना कर दिया। ऐसे थोड़ी होता है बापूजी, भाई तो भाई होता है। ए बाबूचक, तूने गलत आदमी को पैसे दे दिए, उसमें बहू की क्या गलती है? बापूजी पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही गलत आदमी है और वो है मेरा साला सुंदर। पापा मेरे सुंदर मामा को कुछ मत बोलो। ए चल चल, ए मामा वड़ी, तेरे मामा ने मुझे मामा बना दिया है। जेठा ऐसी छोटी छोटी बातों में संबंध नहीं तोड़ते। छोटी बात बाबूजी, छोटी बात, हर बार वो मुझे चूना लगाता है बाबूजी, हर बार। आखिर मैं कब तक चुप रहूं, मेरी भी कोई सहन शक्ति की हद होती है कि नहीं? बस बाबूजी बस, आज मैंने तय कर लिया है इसको संबंध रखना है रखे, मुझे उसके साथ अभी आगे कोई संबंध नहीं रखना है, बस हो गई खत्म बात। नहीं नहीं बाबूजी नहीं, बस कम से कम 100 बदमाश सालों को मिक्स करके भगवान ने सुंदर को बनाया होगा। ओ जेठा प्रा, टप्पू के पापा। ए भगवान, अभी इन लोगों के सामने सुंदर की बात ना निकले तो अच्छा है। ओ जेठा प्रा, ओ जेठा प्रा। अरे क्या हुआ दया भाभी को, ऐसे अंदर क्यों चली गई हमें देख के? झट ना यार, पहले मैनू मेरी बात करने दे। ओ जेठा प्रा, वो हमारी ऑटोमोबाइल एसोसिएशन है ना, वो एक बहुत बड़ा फंक्शन करने वाली है, तो हम चाहते हैं कि अमिताभ बच्चन जी को इनवाइट करें। तो उसमें मुझे क्यों बता रहे? अरे वो तुम्हारा साला सुंदर है ना, उसको कह दो तो डुप्लीकेट भी चलेगा। तुमको क्या मैं सुंदर का सेक्रेटरी लगता हूँ? नाम मतलब सुंदर का मेरे सामने। जय जेठालाल, अरे आपका साला तो लाखों में एक है, लाखों में एक। लाखों में नहीं करोड़ों में है, क्या करोड़ों में चाहिए आपको? फ्री में देता हूँ, जाओ ले जाओ मजा करो। अरे से क्या हो गया? सब तेरी वजह से। वो दया भाभी जी के बारे में पूछने की क्या जरूरत थी? अरे पड़ोसी के नाते मैंने। शांति शांति, देखो उनसे बाद में शांति से बात कर लेना। सेठ जी जैसी कसने। हाँ गुप्ता जी, जेठालाल बोल रहा हूँ, माफ करना सॉरी। हाँ वो मैं आने वाला था आपको मिलने के लिए, लेकिन घर में थोड़ा छोटा सा फैमिली प्रॉब्लम आ गया तो। नहीं नहीं ऐसा कुछ खास नहीं, लेकिन फिर क्या है मुझे दुकान आना पड़ा, वो मार्च एंडिंग आ रहा है ना, थोड़ा हिसाब किताब देखने के लिए। हाँ तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कल पक्का आता हूँ मिलने के लिए। नहीं नहीं पक्का पक्का, हाँ भले भले सॉरी। हाँ हाँ नड्डू काका, क्या है? बाम है? नहीं मैं हूं।
आपको क्या मैं इधर ऐसे घिसू? बस नटू काका आज नहीं है, आज मेरा परेशान होने का पूरा कोटा खत्म हो गया है। क्यों, क्या हुआ सेठ जी? वही मेरा साला सुंदर अभी आज। एक मिनट सेठ जी, कुछ मत बोलिए। क्या किसको फोन लगा रहे? मैं भूल जाऊंगा। हेलो, रामजी मंदिर भाद्र नगर, प्रकाश भाई पंडित, मैं नटू काका बोल रहा हूँ। प्रकाश भाई, आजकल हमारे सेठ जी जरा परेशान रहते हैं, उनका साला है ना, वो उनको बहुत परेशान करता है। तो पंडित जी, इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए कोई विधि है? है सेठ जी, है। हाँ तो शुरू कर दीजिए। अरे पंडित जी, कल नहीं, कल करे सो आज, आज करे सो अभी, अभी शुरू कर दीजिए। उसकी चिंता मत कीजिए, मैं बैठा हूं ना। हाँ सेठ जी, आपका काम हो गया, अब विधि खत्म होते ही आपको शांति ही शांति, कोई परेशान नहीं करेगा, कोई मुसीबत नहीं। लाइए 11,000। 11,000 किस चीज के? विधि के। 11,000 कम है, दूसरे के तो 21,000 लेते हैं, ये तो मेरे नाम की वजह से 10 कम कर दिए, 10 तो बचा दिए आपके। नहीं करवाने विधि, कैंसिल करवा दो। तो लाइए 1100। क्यों सेठ जी, विधि शुरू हो चुकी है, सारे ग्रह मिलके आपके कार्य के लिए आधे रास्ते तक आ चुके होंगे, अब उनको वहाँ से वापस भेजेंगे तो कन्वेंस तो देना पड़ेगा ना। अरे बहू बस कर, अब रोना बंद कर। अरे जेठा ने ऐसे ही गुस्से में बोल दिया होगा, तू देखना वो शाम को जब घर लौटेगा ना तो कुछ नहीं हुआ ऐसे ही आएगा, देखना वैसे बोला है मेरा जेठिया। जेठालाल, तुम जेठालाल है? नहीं, मैं चंपकलाल, जेठा का बाप। तो जेठालाल किधर है, बुला उसको। तुम कौन हो भाई? वो सब बाद में, तुम पहले उसको बुलाओ, तुमको मालूम नहीं है तुम्हारा लड़का ने क्या पाप किया है? अरे लेकिन तुम कौन हो? अरे हम चोरावर, लेकिन तुम जेठालाल को बुलाओ। आ भाई आ, शांति रखो। बहू जेठा को फोन लगा। जी बापूजी। को बोल ये चोरावर आया है। हाँ। लगाते हैं फोन। हाँ बोल दे। सुनिए, जल्दी घर पर आ जाइए। क्यों? आपसे मिलने कोई आया है। कौन? मिला क्या जेठालाल? मिला क्या? नो, और दो लोग आ गए, मतलब तीन लोग हैं। आप कौन है? लो, और दो लोग आ गए, 1, 2, 3, 4, 5, हाँ मतलब कुल मिला के 5 लोग हो गए हैं। अरे लेकिन तू बताएगी है कौन ये? वो तो पता नहीं, लेकिन तीन लोगों के हाथ में लकड़ी है। लकड़ी? बूढ़े हैं? इधर लाओ फोन, लाओ मेरे को तो फोन लाओ। हेलो जेठालाल, जोरावर बोल रहा है, तुम घर पर आ जाओ। कौन जोरावर? अरे बेसन का पत्थर मत खांडो, तुमको बोला घर पे आ जाओ मतलब घर पे आ जाओ। अय्यर, वो बिना भूले शर्मा जी को बता देना, उन्होंने पिछले 6 महीने से सोसाइटी का मेंटेनेंस नहीं भरा है। हाँ मैं बोला दूंगा उनको। अरे जेठालाल आओ बात करते हैं यार। अरे यार वो सुंदर का नंबर तो दे दो। डिलीट कर दिया नंबर उसका मोबाइल से। सोड़ी, मुझे लगता है सुंदर और जेठालाल के बीच में जरूर कुछ गड़बड़ हुई। दया, दया लो, आ गए चप्पू के पापा। अरे आने दो उनको, उनका ही घर है। एक मिनट भाई, एक मिनट, जाने दो। कौन आया मिलने को? कौन है चोरावर? हाँ भाई, तो तुम है जेठालाल? हाँ। पाप करने वाला पापी?
अरे कौन है बाबूजी ये लोग? ये अरे आए हैं तब से मैं भी वही पूछ रहा हूँ कि कौन हो तुम लोग और मेरे जेठिया ने क्या पाप किया है? शर्म नहीं आती मेरी बेटी को भगाते हुए? अरे भाई मैं खुद अभी दुकान से भाग कर आ रहा हूँ। कौन सी बेटी, किसकी क्या बात कर रहे भाई आप लोग? एक मिनट ये भाई है, ये जलेबी की तरह गोल गोल बात करना बंद करो। मैं अपने जेठिया को अच्छी तरह से जानता हूँ, कुछ भी इल्जाम मत लगाओ। बात क्या है वो बोलो। वो सगन और सभी इधर आए थे ने? हाँ आए थे। तो ये तोवड़े वो हमारा जिक्री है सगन। सबीली वो आए थे लेकिन वो गए। कहाँ गए? गोवा। गोवा? गोवा क्यों? हनीमून मनाने। हनीमून? वो शादी के बाद कपलिंग लोग जाते हैं ना हनीमून मनाने, वो हनीमून। देखा मैंने आपको बोला था ना, अपनी बेटी ने भाग के शादी कर ली। मैं हमेशा कहती थी कि गांव पे रौफ जमा दे तो अपनी बेटी पे रौफ जमाओ, पर मेरा सुनते ही नहीं है। बोलो सही कहते हैं आप, अरे थोड़ा रौफ तो रखना ही चाहिए प्यार करो, मगर मर्यादा में। मैं है ना टप्पू को ऐसे आंखें दिखाती हूँ ना चुप हो जाता है। हाँ और मैं मेरी बेटी को आंख दिखाती हूँ ना तो ये सामने आंख दिखाते हैं हमेशा, मेरी बेटी मेरी छवि मेरी ये। देखा देखा आपकी लाडली ने क्या गुड़ खिलाया, ये दिन दिखाया आपकी लाडली ने। अरे चुप, यावली जिबड़ा कट के हाथ में दे देगा। हम जेनी हरिणी ने बेभाग हमेरा, चले उठा इसको ले चलो अपने साथ अहमदाबाद। अरे अहमदाबाद क्या? अरे अरे चलो ना अहमदाबाद, मैं भी आपके साथ आती हूँ। क्या है मेरी माँ वहाँ पर ही रहती है, उस बार मुलाकात भी हो जाएगी। यार डोबी ये लोग मुझे अहमदाबाद घुमाने नहीं लेकर जा रहे हैं। तो फिर क्यों ले जा रहे हैं? अरे हाँ अरे भाई क्यों लेके जा रहे मुझे अहमदाबाद? जब तक हमारी सबीली नहीं मिल जाएगी तब तक अहमदाबाद में तू बंधक रहेगा हमारे पास में। चलो उठाओ। आप बैठो दादाजी, खाली ये चलो ले चलो इसको अपने साथ में। एक मिनट भाई मेरी बात सुनो। देखो ये पूरे मामले में मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। वो मेरा साला अहमदाबाद में सुंदर है ने, उसने मुझे बोला मेरा दोस्त छगन इधर मुंबई आएगा उसको 20,000 दे देना, तो मैंने उसको 20,000 दे दिया, बस इतना ही। बाकी छगन और छबीली के साथ मेरा स्नान सूतक का व्यवहार नहीं है भाई। झूठ मत बोल। सुंदर ने मेरे को बताया कि छबीली को ढूंढना है तो जा मुंबई मेरे जीजा जी जेठालाल के घर पर, छबीली तो मिलेगी उधर में, सगनिया भी मिलेगा। दोनों इधर आया था लेकिन तुम दोनों को भगा दिया रे। उठा इसको उठाओ। अरे भाई देख दया देख तेरा भाई क्या किया बाबूजी। अरे ये देखो अपहरण है, ये गैर कानूनी है, ये क्या कर रहे? मेरी बात सुनो। छोड़ो ये क्या हो रहा है? ये जोरावर शराफत से कह रहा हूँ जेठिया को छोड़ दे वरना अच्छा नहीं होगा। बड़ी आप बीच में मत बोलिए, लड़की हमारी भागी है आपकी नहीं। जेठालाल को बोरी की तरह उठा कर क्यों ले जा रहे हो? जरूर उसने कुछ उल्टा काम किया होगा। अरे एक मिनट मेरी बात सुनो जरा और भाई, मुझे एक फोन तो करना था। नहीं। अरे एक फोन करने का मंजूरी तो पुलिस स्टेशन में पुलिस भी देता है भाई। थैंक यू। अरे भाई इसको बोलो ये फोन इसमें है, इतने जोर से पकड़ा है कैसे लूं मैं फोन ये? अरे तो इस हाथ से कर ले। अरे हाँ मैं वो सुंदर को फोन करता हूँ, आपसे बात करवा देता हूँ, आपको पता चल जाएगा कि इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है भाई। रिंग बज रहा है। काट दिया। एक मिनट कीजिए ना। अरे फिर से काट दिया। फोन क्यों काट रहा है तेरा भाई? अरे बीजी हो गया। अरे काय का बीजी है? ए चले नौटंकी बंद कर। एक मिनट भाई साहब ये क्या हो रहा है सोसाइटी में, क्या हो रहा था अभी ये? अरे इसने हमारा लड़की को भगाया है। जेठालाल ऐसा मुंह काला करने वाला काम क्यों किया तुमने?
नाम बड़े और दर्शन खोटे। नहीं किन्होंने हरकत शी। ये भिंडी मास्टर पहले पूरी बात को समझ ले क्या बिना सोचे समझे। पर दयाबेन ये लोग है कौन? छगन की छबिली है ना उसके माँ बाप है और ये इनके गुंडे हैं। अच्छा छगन छबिली कौन? बताती हूँ अब आप ही बताइए किसी को मदद करना कुछ गलत बात है? अरे जिस बात में तेरा भाई शामिल हो ना वो सब बात गलत ही होती है। इधर लेने के देने हो गए मेरे। चले ना उठा क्या नाटक बंद कर रहे हैं उठा इसका शर्ट। हेलो उठाओ। अरे मेरे बात सुनो क्या उठाओ। अरे छगन छगन अरे पकड़ो उसको पकड़ो इसकी मदद करने में मेरी बैंड बच गई। अरे भाई मुझे छोड़ो उसको पकड़ो। छबिली पप्पू जी छबिली कहाँ गई थी तू? आज मैं छोड़ूंगा नहीं तेरे को। दो टके के लुटे लफंगे मामूली कपड़े की दुकान चलाने वाले सिंधी चोर तेरी हिम्मत कैसे हुई जोरावर सिंह की बेटी के सामने आंख उठाकर देखने की उसको भगाकर ले जाने की उसके साथ शादी करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? तुझे शर्म नहीं आई एक फालतू लड़के के साथ भगकर शादी करते हुए? माँ छगन और मैं एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। चुप रहे शिवावली। देखिए मैं अपनी जान दे सकता हूँ पर छबिली को नहीं भूल सकता। अरे तू जबान लड़ाता है ए, इसका टंगड़ी तोड़। पापू जी तोड़ इसकी टंगड़ी तोड़। आ भाई आ इधर तेरा जगह इधर है भाई इधर है। बाप रे बापू जी। अरे देखता क्या है डिबर इसको। भाई अपना दिमाग शांत रख अब ये तेरा दामाद है दामाद। अरे हट मैं इसको दरबार नहीं मानता अब इसको दामाद मानने की बात बोलते है काका। अरे तेरे मानने न मानने से क्या हकीकत बदल जाने वाली है, है? अरे कौन से जमाने में जी रहा है तू भाई? जमाना बदल गया है। तुझे अपना घमंड प्यारा है कि अपनी बेटी की खुशी? अरे ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते हैं। देख धोने ढेफा। अरे हमने हमारी बेटी को राजकुमारी की तरह पाला है ये मामूली दुकानदार हमारी बेटी को क्या ऐश आराम देगा? मानता हूँ कि आपकी नजरों में मैं बहुत ही छोटा आदमी हूँ पर वादा करता हूँ मैं भी आपकी बेटी को राजकुमारी की तरह रखूंगा। वो सब कुछ नहीं ऐसा लव मैरिज कभी भी सफल होता नहीं है हमारा वड़ी लोग ठप्पा मार कर बोल कर गया है। अरे नहीं रे नहीं अंकल मेरी और रोशन की लव मैरिज ही हुई है हम लोग की शादी को 10 साल हो गए नहीं हम लोग बहुत खुश है। तुमने भाग कर शादी की थी? नहीं इसने तो भाग कर शादी की है। देखिए बाबूजी मैं भी भाग कर शादी करने के खिलाफ ही था मैंने छबिली को बहुत समझाया कि तेरे माँ बापूजी की मर्जी के बगैर हम शादी नहीं करेंगे पर वो मानी ही नहीं। उसने कहा बापूजी हमारी शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे और उसकी जिद के आगे मुझे झुकना पड़ा। देखा देखा कितना अच्छा लड़का है देखा तूने। अरे तू अगर पहले ही मान गया होता तो आज तुझे ये दिन देखना ना पड़ता। अब ज्यादा सोच मत अपने दामाद को अपना ले और अपनी बेटी की खुशी को ही अपनी खुशी मान ले। सबीली ये दिख रहा तू मेरे से इतना डरती है बेटा? तेरी खुशी वो हम सब की खुशी। हाँ। इधर आ। अरे जा भाई जा भी तुझे अपना लिए पैर छू। अरे भाई मुझे नहीं हो अपना ससुर को। तुझे क्या मजा आया इसमें इतना? ऐसे ही हंसता है। हाय सगनिया खुश रहो खुश बाके पगे लागो आपके कारण मेरी बंद आंख खुल गई और ये मेरे परिवार की जो खुशी थी वो मेरे को मिल गई। आपका तो जितना मानू उतना आभार कम है काका। जेठा भाई माफ करना मेरी वजह से तुम्हें थोड़ी तकलीफ हुई। थोड़ी तकलीफ को थोड़ी ही बोल रहे बोला। चलो लाठी नीचे करो और चलो सब। अरे अरे रुक जाइए। अरे मुझे ये पूछना है छगन भाई
कि आप दोनों यहाँ पर वापस क्यों आए थे? अरे यार, गोवा की फ्लाइट्स मिस हो गई ना, तो टिकट्स के पैसे लेने और होटल बुकिंग्स के पैसे लेने आए थे। वो अभी अपने ससुर से ले लेना भाई। हाँ, दे देगा, उसमें क्या है। अच्छा, चलो 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 चलो। अरे ये देख, तेरा भाई का फोन। हाँ, क्या कह रहा है? कह रहा है फोन उठाओ। हाँ तो उठाओ। हाँ बोल सुंदर। हेलो जीजा जी, मुझसे बात करने की मना करके घड़ी घड़ी फोन करके मुझे परेशान क्यों करते हो? क्या भाई, तूने बताया नहीं ये छगन छबीले ने भाग के शादी की है? वो जानकर आपको क्या करना था? क्या करना है, क्या करना है, क्या मतलब है? इधर छबीले के माँ बाप साथ में तीन हट्टे घट्टे पहलवान लेके आए। हेलो 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 जीजा जी, जीजा जी कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो ए नौटंकी, फिकर मत कर, बापूजी ने छगन छबीली और छबीली के माँ बाप के बीच में समाधान करवा दिए और छबीली के माँ बाप ने छगन को अपना भी लिया। अच्छा अच्छा, ये तो बहुत पुण्य का काम करवाया है। थैंक यू बाबूजी ने। जीजा जी एक और काम भी था, मेरा एक दोस्त है वो भी भागकर शादी करने वाला है, तो उसे भी मैं आपके पास भेज देता हूँ, उसके माँ बाप आए तो समाधान करवा देना आप। हेलो हेलो, को ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है, बाद में फोन करना। ओके, थोड़ा आगे खड़े रहते ना तो सुनाई देता। चल चल अबे। हाँ चलो।